हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अंसारी नाजमा, टीचिंग इन MGV's आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज मालेगांव सिटी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सिक्स्थ चैप्टर ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, दैट इज सीमेंट एंड ग्लास इंडस्ट्री। टुडे वी विल कवर दीज टॉपिक्स: डेफिनेशन ऑफ सीमेंट, टाइप्स ऑफ सीमेंट, मैन्युफैक्चर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, रीइंफोर्स्ड कॉन्क्रीट। नाउ लेट्स सी वन बाय वन। First we will see definition of cement. Cement is a substance which when mixed with a small amount of water sets to a hard stone like substance in few hours with varying degree of strength and bonding properties. Cement aisa substance hai jo water ke sath mix hokar stone like hard substance banata hai. Now let's see types of cement. There are many types of cement. First one is natural or rock cement. Natural cement calcareous means rich in calcium, and argillaceous means rich in silica substance ka mixture hai. Means calcium aur silica ka mixture hai. It is also called as rock cement. सेकेंड टाइप है पोर्टलैंड सीमेंट। कैल्सेरियस एंड आर्जिलेशियस सब्सटेंस को, मीन्स रिच इन कैल्शियम एंड रिच इन सिलिका सब्सटेंस को हाई टेम्परेचर पर बर्न करें, मीन्स 1400 डिग्री सेल्सियस टू 1500 डिग्री सेल्सियस पर अगर इन सब्सटेंस को बर्न किया जाए तो हमें पोर्टलैंड सीमेंट मिलेगी। थर्ड टाइप है हाई एल्यूमिना सीमेंट। लाइम स्टोन और बॉक्साइट को हीट किया जाए तो हमें हाई एल्यूमिना सीमेंट ऑब्टेन होती है। ये करोशन मीन्स जंग वाटर से रेजिस्ट करती है। फोर्थ टाइप है हाइड्रोलिक हाइड्रेटेड लाइम। लाइम स्टोन में 10-20% क्ले है और उसे बर्न किया जाए, जलाया जाए तो हमें हाइड्रोलिक हाइड्रेटेड लाइम सीमेंट ऑब्टेन होगी। फिफ्थ टाइप है पोजोलन सीमेंट। पोजोलन एक टाउन का नाम है इटली में, जिससे पोजोलन सीमेंट का नेम डिस्कवर किया गया है। पोजोलन ऑकर्स इन वोल्केनो ऐश। पोजोलन ज्वालामुखी की जो राख होती है उससे बनाई जाती है पोजोलन सीमेंट। हाइड्रेटेड लाइम को वोल्केनो ऐश पोजोलन मीन्स ऐश से हाइड्रेटेड लाइम को ऐश के साथ बर्न किया जाता है, फिर उसे ग्रिंड किया जाता है, उसके बाद हमें पोजोलेनिक सीमेंट ऑब्टेंड होती है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज ट्रास सीमेंट। ट्रास सीमेंट भी कहलाती है। ये लाइट कलर की वैरायटी होती है। नेक्स्ट टाइप है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट मिक्सचर है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और लाइम का। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और लाइम को बर्न करें हाई टेम्परेचर पर, फिर उसे ग्रीन करें तो उसके बाद हमें रैपिड हार्डनिंग सीमेंट ऑब्टेन होगी। सेवन टाइप है वाइट सीमेंट। It is a variety of normal cement useful for face plaster to wall concrete floors. ये normal type है cement की। ये face plaster के लिए means floors के, roof के जो face plaster होते हैं ऊपर के upper के, उसको plaster करने के लिए use होती है। Next type है controlling cement। इट प्रिवेंट सीमेंट फ्रॉम श्रिंकिंग एंड क्रैकिंग अपॉन सेटिंग। कंट्रोलिंग सीमेंट में ये क्वालिटी होती है कि उसमें श्रिंकिंग नहीं होती, किसी किस्म की क्रैकिंग नहीं होती। जब वो हार्ड स्टोन लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होती है तो वहाँ किसी किस्म का क्रैक्स नहीं होता, श्रिंक नहीं होता। क्रैकिंग का रीज़न है यहाँ पर कैल्शियम सल्फो एलिमिनेट कम्बाइंड विथ पोर्टलैंड सीमेंट। नेक्स्ट टाइप है करोशन रेजिस्टिंग सीमेंट। ऐसी सीमेंट जो जंग से बचाती है। इट इज़ यूज्ड फॉर लाइनिंग ऑफ इक्विपमेंट, स्टोरेज टैंक, एब्सॉर्प्शन टावर्स, स्टैक्स, एसिड डाइजेस्टर्स।
करोशन रेजिस्टिंग सीमेंट को लाइनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। लाइनिंग ऑफ इक्विपमेंट मीन्स इक्विपमेंट को इनर साइड से एक लेयर कवरिंग उस पर अप्लाई की जाती है, एक टाइप का अस्तर लगाया जाता है जिससे जंग ना हो। तो यहाँ पर कौन सी सीमेंट यूज़ होती है? करोशन रेजिस्टिंग सीमेंट की मदद से इक्विपमेंट को लाइन किया जाता है। नेक्स्ट टाइप है स्पेशल और एसिड रेजिस्टिंग सीमेंट। इट इज़ यूज फॉर एसिड वॉशिंग टावर्स और वॉल्स टू रेजिस्ट एसिड। जहाँ पर एसिड से बचाना होता है जिस इक्विपमेंट को, वहाँ पर एसिड रेजिस्टिंग सीमेंट यूज़ होती है। नाउ लेट्स सी मैन्युफैक्चर प्रोसेसेस ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। सीमेंट बनाने के लिए यहाँ पर बहुत सारे रॉ मटेरियल्स यूज़ होते हैं जिसके अलग अलग सोर्सेस हैं। फर्स्ट सोर्स है कैल्सेरियस मटेरियल, मीन्स रिच इन कैल्शियम। रिच इन कैल्शियम मटेरियल है लाइम स्टोन, चूना, चौक, सीमेंट रॉक, मार्ल, मरीन शेल्स एंड अल्कली मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये सारे रॉ मटेरियल कैल्शेरियस मीन्स रिच इन कैल्शियम रॉ मटेरियल्स हैं। सेकंड सोर्स है आर्जिलेशियस मटेरियल, मीन्स रिच इन सिलिका। रिच इन सिलिका जो मटेरियल है रॉ मटेरियल, इसकी एग्जांपल है क्ले, स्लेट, शेल, ब्लास्ट फर्नेस स्लेट, एशेस एंड सीमेंट रॉक। ये सब सीमेंट बनाने के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट टाइप है जिप्सम। अ सॉफ्ट वाइट और ग्रे मिनरल कंसिस्ट ऑफ हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम क्या है? वाइट है, ग्रे, वाइट और ग्रे कलर में आता है। इसमें कैल्शियम सल्फेट होता है। नाउ लेट्स सी प्रोपोर्शनिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स। सीमेंट बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल को फिक्स्ड क्वांटिटी में लेना पड़ता है। फर्स्ट है लाइम कंटेंट। अगर लाइम को लो क्वांटिटी में लिया जाए तो सीमेंट की स्ट्रेंथ बहुत ही लो होगी। अगर लाइम का कंटेंट हाई लिया जाए तो सीमेंट में क्रैक्स, कर्ल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। इसी तरह अर्जिलेशियस मटेरियल को अगर हाई क्वांटिटी में लिया जाए, सिलिका को हाई अमाउंट में लिया जाए, तो एलुमिना लो क्वांटिटी में हो जाएगा और टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे लाइम का कंटेंट लॉस्ट हो जाएगा। सेटिंग पीरियड बहुत कम हो जाएगा, इसलिए मुनासिब प्रोपोर्शन ऑफ रॉ मटेरियल इज़ बेनिफिशियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। मुनासिब मकदार में रॉ मटेरियल्स को लेना बहुत ज़रूरी है। परसेंट ऑफ कैल्शियम परसेंट ऑफ सिलिकेट परसेंट ऑफ एल्युमिनेट एंड आयरन इक्वल टू 1.9 टू 2.1। इतने अमाउंट में यहाँ पर कैल्शियम, सिलिकेट, एल्युमिनेट और आयरन लिया जाता है। परसेंट ऑफ सिलिकेट डिवाइडेड बाय परसेंट ऑफ एल्युमिनेट। यहाँ पर सिलिकेट और एल्युमिनेट का अमाउंट 2.5 to 4 लिया जा रहा है। नाउ लेट्स सी प्रिपरेशन ऑफ किल्न फीड। फर्स्ट प्रोसेस है प्रिपरेशन ऑफ किल्न फीड। यहाँ पर दो टाइप के प्रोसेस है। फर्स्ट है ड्राई प्रोसेस। इस प्रोसेस में जो रॉ मटेरियल लाइम स्टोन, सिलिका एंड क्ले, आयरन और इन सबको फर्स्ट क्रश किया जाएगा। क्रशर में इन्हें पहले क्रश किया जाएगा, देन ट्रांसफर इनटू हामर मिल। हामर मिल में क्रश्ड किया हुआ रॉ मटेरियल पाउडर में कन्वर्ट होगा, देन ट्रांसफर इनटू रोटरी ड्रायर। रोटरी ड्रायर में ये ड्राई होगा, देन ट्रांसफर इनटू प्रोपोर्शनिंग इक्विपमेंट। यहाँ पर रॉ मटेरियल का प्रोपोर्शन होगा। देन ट्रांसफर इनटू ट्यूब मिल फॉर ग्राइंडिंग। ट्यूब मिल में वापस से रॉ मटेरियल का की ग्राइंडिंग होगी। नेक्स्ट ट्रांसफर इनटू एयर सेपरेटर। पाउडर्ड रॉ मटेरियल को एयर सेपरेटर में ट्रांसफर किया जाएगा। वहाँ पर पार्टिकल साइज को कंट्रोल किया जाएगा। देन ट्रांसफर इनटू
ब्लेंडिंग मशीन, यहाँ पर वापस से ब्लेंडिंग होगी, देन ट्रांसफर इनटू रोटरी किल्न। रोटरी किल्न में यहाँ पर क्लिंकर फॉर्म होंगे, क्लिंकर फॉर्म होने के बाद कूलर में ट्रांसफ़र किया जाएगा। कूलर में यहाँ पर क्लिंकर कूल होंगे, देन ट्रांसफर इनटू बॉल मिल। बॉल मिल में वापस से यहाँ पर ग्राइंडिंग होगी, क्लिंकर की ग्राइंडिंग होगी, देन ट्रांसफर इनटू एयर क्लासीफायर। एयर क्लासीफायर में यहाँ पर फिर से साइज को कंट्रोल किया जाएगा, क्लिंकर की साइज को कंट्रोल करने के बाद उसे स्टोरेज टैंक में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। नाउ लेट्स सी सेकंड प्रोसेस, दैट इज वेट प्रोसेस। पूरा प्रोसेस सेम है। ड्राई प्रोसेस में क्या हो रहा था, डायरेक्ट सीमेंट हमें मिल रही थी, लेकिन यहाँ पर हमें वेट प्रोसेस में सलरी मिलेगी। मीन्स यहाँ पर जब रॉ मटेरियल को क्रश किया जाएगा, उसके फौरन बाद ही रॉ मटेरियल में वाटर ऐड कर दिया जाएगा। वाटर ऐड करने के बाद पूरा प्रोसेस सेम होगा। पहले उसे हामर मिल में ग्राइंड करेंगे, इस प्रोसेस में सलरी फॉर्म होने के बाद यहाँ पर किल्न फीड में, किल्न टैंक में यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट कंज्यूम होगी। इसका रीज़न है वाटर। वाटर ऐड होने की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्निंग ऑपरेशन की ज़रूरत होगी। नाउ लेट्स सी ट्रीटमेंट ऑफ क्लिंकर्स। क्लिंकर इज डिफाइंड एज द क्लिंकर आर स्मॉल राउंड बॉल्स विथ ग्रीनिश ब्लैक और ग्रे कलर डिस्चार्ज फ्रॉम रोटरी किल्न। क्लिंकर स्मॉल राउंड बॉल्स होते हैं, ग्रीनिश ब्लैक और ग्रे कलर के, ये रोटरी किल्न में फॉर्म होते हैं। क्लिंकर फॉर्म होने के यहाँ पर फोर स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप कूलिंग। रोटरी किल्न से क्लिंकर्स को कूलर में ट्रांसफ़र किया जाएगा। रेट ऑफ कूलिंग को कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि क्लिंकर के मेल्ट होने पर यहाँ पर किसी किस्म का क्रिस्टलाइजेशन ना हो, ये कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। जो हीट लॉस्ट होगी इस प्रोसेस में, इसे वापस से यूज़ किया जाएगा। जो डस्ट ट्रैप्ड होंगे, उसे सेटलिंग चैम्बर में रिटर्न कर दिया जाएगा। सेकेंड स्टेप है एडिशन ऑफ रिटार्डर्स। जब क्लिंकर फॉर्म होगा, उसे ग्राइंडिंग मिल में ट्रांसफ़र किया जाएगा, वहाँ पर प्रॉपर अमाउंट में यहाँ पर रिटार्डर्स लाइक जिप्सम और प्लास्टर ये ऐड किया जाएगा। रिटार्डर निगेटिव कैटलिस्ट होते हैं, ये सीमेंट का सेटिंग टाइम स्लो डाउन करने के लिए यूज़ होता है। नाउ लेट्स सी ग्राइंडिंग। क्लिंकर और जिप्सम दोनों को ग्राउंड करने के लिए यहाँ पर बॉल मिल में ट्रांसफ़र किया जाता है। यहाँ दोनों की ग्राइंडिंग होती है, उसके बाद उसे स्टोरेज टैंक में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। फोर्थ एंड लास्ट स्टेप इज़ स्टोरेज एंड पैकेजिंग। ग्राउंड सीमेंट को स्टोर किया जाता है टैंक्स में, उसके बाद उसे गनी बैगेस में पैक्स कर दिया जाता है। नॉलेज से लास्ट टॉपिक, दैट इज रीइंफोर्स कॉन्क्रीट। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्क्रीट एंड मेटल, दैट इज स्टील। ये कॉन्क्रीट और मेटल का, मीन्स सीमेंट और मेटल का कॉम्बिनेशन होता है। कॉन्क्रीट इज ब्रिटल, इट कैन नॉट बियर अ टेंसाइल स्ट्रेंथ। कॉन्क्रीट ब्रिटल होता है, टूट जाने वाला होता है, ये लोड को बियर नहीं कर सकता। सिमिलरली स्टील अलोन इज़ नॉट वेरी रेजिस्टेंस टू वेदर। इसी तरह स्टील अगर ब्रिटल नहीं है, टूटने वाला नहीं है, लेकिन ये वेदर का से रेजिस्ट नहीं कर सकता। स्टील रॉड्स इज़ यूज्ड इन रीइंफोर्स्ड कॉन्क्रीट। यहाँ पर सीमेंट में स्टील रॉड्स यूज़ की जाती है, फिगर में आप देख रहे हैं, जिससे हम कह सकते हैं रीइंफोर्स्ड कॉन्क्रीट फॉर्म होती है। इसकी प्रॉपर्टीज़ है, कॉन्क्रीट प्रिवेंट स्टील फ्रॉम डिट्रायरेशन।
कंक्रीट की वजह से, सीमेंट की वजह से स्टील में किसी किस्म का डिट्रायरेशन नहीं होता है, मीन्स वहाँ पर रस्ट नहीं होता, क्रैक्स नहीं होता, कर्ल्स नहीं होता, होल्स नहीं होते। ये सब किसकी वजह से होता है? कंक्रीट की वजह से। प्रिवेंट एक्सपांशन इन केस ऑफ फायर, आग लगने पर भी किसी किस्म की साइज़ एक्सपांड नहीं होती है स्टील की। हाईली स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बियर हाई टेंसाइल लोड। स्टील खुद टेंसाइल स्ट्रेंथ बियर कर सकता है बट कंक्रीट नहीं। लेकिन अगर ये दोनों को मिला दिया जाए तो ये दोनों बहुत ज़्यादा वेट भी लोड कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।